नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय महिला क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्ति के परिवार पर कोरोना की दोहरी मार पड़ी है। उनकी 45 साल की बहन वत्सला का कोरोना से गुरुवार को निधन हो गया। ऑलराउंडर वेदा ने 2 हफ्ते पहले ही कोरोना की वजह से अपनी माँ चेलुम्बा देवी को खोया है। माँ के निधन की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। भारत वर्तमान में कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। केवल आम जनता ही नहीं बल्कि कई जानी मानी हस्तियां, खिलाड़ी और उनके परिवार वर्तमान में इस समय कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। अब खबर आई है कि भारतीय महिला क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्ति की बहन का कोरोना के कारण निधन हो गया है। 45 साल की वत्सला का निधन चिकमंगलू के एक निजी अस्पताल में हुआ है। बता दें, वेदा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है क्योंकि करीब 2 हफ्ते पहले उनकी माँ की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। पिछले महीने वेदा की माँ और बहन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पिछले महीने 24 अप्रैल को वेदा ने अपनी माँ की मृत्यु के बारे में ट्वीट कर इस जानकारी दी थी। वेदा ने लिखा था कि मेरी माँ के निधन पर मिले संदेशों का सम्मान करती हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके बिना मेरा परिवार खत्म हो गया है। हम अब मेरी बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी रिपोर्ट निगेटिव आई है और अगर आप मेरी निजता का सम्मान करते हैं तो अच्छा रहेगा। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जो इससे गुजर रहे हैं। आपको बता दें, वर्तमान में भारत में कोरोना वायरस की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। हर दिन लाखों मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। चिकित्सा सुविधाओं की भी कमी है। यही कारण है कि दुनिया भर से भारत के लिए प्रार्थना की जा रही है। वेदा कृष्णमूर्ति भारतीय टीम की नियमित सदस्य भी हैं। उन्होंने 2011 में भारतीय टीम में डेब्यू किया था। उसने अब तक 48 एकदिवसीय और 76 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले हैं। उन्होंने वनडे में 829 रन बनाए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 में 875 रन बनाए हैं। बता दें, भारत में महामारी की दूसरी लहर से मची तबाही का सामना करना पड़ रहा है और पिछले कुछ दिनों से रोजाना संक्रमण के 3 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। अहम दवाओं और ऑक्सीजन की कमी से ये संकट और भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।